हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर लेसन नंबर 12 का हम लोग साइंस में पढ़ेंगे। हम लोग कीप द एयर क्लीन। यानी हवा को हम लोग कैसे प्रदूषण से बचाएंगे, साफ रखेंगे। तो वी कैन कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ यहाँ टिप्स दिए गए हैं, उसके बारे में आप समझेंगे। वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस और यूज बाई साइकिल। अगर आप कम दूरी की यात्रा साइकिल से करते हैं तो आप एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक बसेज, लोकल ट्रेन्स, मेट्रो ETC। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, बस, लोकल ट्रेन हुआ, मेट्रो हुआ, तो अभी हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। इनकरेज कार पूलिंग फॉर ट्रैवलिंग। कार का इनकरेज, कार पूलिंग फॉर ट्रैवलिंग, यात्रा के लिए हम लोग कार का पूलिंग करते हैं। शिफ्ट पोल्यूशन काजिंग फैक्ट्रीज आउटसाइड द सिटी। अगर फैक्ट्री को शहर से बाहर उसको शिफ्ट करते हैं, उस तरह से हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। रेगुलर पोल्यूशन चेक ऑफ व्हीकल फैक्ट्री ETC। और हमेशा गाड़ियों के पोल्यूशन चेक कराना चाहिए, फैक्ट्रियों के चेक कराना चाहिए। प्लांट्स एज मैनी ट्रीज एज पॉसिबल, जहाँ तक हो पौधा अधिक लगाइए, तब जो है हमारा एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है। तो हम लोग इस तरह से हवा को साफ और स्वच्छ रख सकते हैं। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन जो हुआ, इसमें आप ध्यान देंगे कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है। द एडिशन ऑफ हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर दस मेकिंग इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। तो हमारे पानी में, वाटर में अगर कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है, जी हानिकारक कूड़े कचरे, कुछ फैक्ट्रियों के केमिकल, इस प्रकार से जो पानी में गिरते हैं तो वो पानी को प्रदूषित कर देते हैं। तो वो पानी जो है मानव जीव के लिए भी योग्य नहीं रखता है, तो उसे हम लोग वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन होने के तत्व तो क्या हैं? डर्टी वाटर फ्रॉम होम्स एंड इंडस्ट्रीज, गंदे पानी घरों के, फैक्ट्रियों के उसमें गिरना, सब डिटर्जेंट एंड केमिकल्स, साबुन लगाते हैं आप, सर्फ लगाते हैं, कोई केमिकल लगाते हैं किसी चीज़ को अगर पानी के अंदर गिराते हैं, उससे वाटर पोल्यूटेंट होता है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर, तो इस प्रकार से हमारा पानी पोल्यूटेड होता है। वॉशिंग क्लॉथ एंड एनिमल इन रिवर, नदियों में अगर आप कपड़ा धोएंगे, जानवरों को नहवाएंगे, तो उससे भी पानी प्रदूषित हो जाता है। हार्मफुल इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट आप देखेंगे
ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर काजेज, अगर आप गंदे पानी का प्रयोग करते हैं तो उसके कारण जो है बोन डिजीज, जैसे कि हड्डियों की बीमारी लाइक टाइफाइड, ज्वाइंटिस, डायरिया, इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स बाय पोल्यूटेड वाटर इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ क्रॉप, तो ये सब गंदे पानी प्रयोग करने से ये रोग होते हैं, टाइफाइड, ज्वाइंटिस, डायरिया। और गंदे पानी को अगर हम लोग इरिगेशन करते हैं, फसलों में डालते हैं, तो उसका भी प्रभाव जो है फसलों के क्वालिटी के ऊपर, गुण के ऊपर भी पड़ता है। इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ क्वालिटी इक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल, और उसका प्रभाव एक्वाटिक प्लांट्स और जानवरों पर भी पड़ता है। कीप द वाटर क्लीन, पानी को आप साफ रखिए। साफ रखने के तौर तरीका ये है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड लीकेज शुड बी चेक्ड रेगुलर। हमेशा पानी रखने का चीज़ जो है, लीकेज जहाँ है पानी छूता है उसको हमेशा चेक कराना चाहिए। वेस्टेज फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्रीज शुड बी ट्रीटेड वेल बिफोर डंपिंग देम इन वाटर बॉडी। जो घर के कूड़े कचड़े हैं, फैक्ट्रियों के हैं, उद्योग धंधों के हैं, उससे हमको फेंकने से पहले, पानी में फेंकने से पहले उसको हमको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम क्या चीज़ फेंक रहे हैं। वॉशिंग क्लॉथ एनिमल ईटीसी शुड बी बैंड नियर रिवर। कपड़ा धोना, जानवरों को नहवाना धोना, नज़दीक की नदियां हैं उस पर बैन लगा देना चाहिए, नहीं ऐसा करना चाहिए। और सॉयल पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन जो होता है मिट्टी प्रदूषित हो जाना, इट इज कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू सॉयल। ये मिट्टी पोल्यूशन इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें बेकार के कूड़े कचरे अन्य चीज हानिकारक तत्व भी उसमें मिट्टी में अगर हम फेंक देते हैं तो उस तरह से मिट्टी पोल्यूशन हो जाता है। द गार्बेज दैट वी थ्रो कैन बी सेपरेटेड इन टू कैटेगरी। गार्बेज जो कि हम लोग थ्रो कैन बी सेपरेटेड इन टू कैटेगरी, उसको हम लोग दो तरीकों में सेपरेट फेंक सकते हैं या कहीं भी रख सकते हैं। जैसे एक बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज मीन्स आर किचन वेस्टेज, जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, फॉरेन लीव्स, पेपर, न्यूज पेपर, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच कैन बी ईजिली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉयल। तो ये किचन के चीज जितने हैं, जैसे आप सुबह सुबह में आप घरों में आप देखे होंगे सब्जियां काटी जाती हैं, फल लोग खाते पीते हैं, तो उसके जो बचे हुए तत्व हैं, पत्तियां हैं, पेपर हैं, न्यूज पेपर हैं, डेड प्लांट्स हैं, जानवर भी हैं, तो ये सभी जो हैं उसको आसानी से हम लोग डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉयल। इसे ये क्या करते हैं कि मिट्टी में हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें आ जाते हैं, छोटे छोटे जीव, दे आर नॉन पोल्यूटिंग वेस्टेज, तो वे पोल्यूटिंग वेस्टेज नहीं होते हैं। दे कैन बी यूज टू मेक मैन्योर। वो क्या करेंगे कि उस मिट्टी को बहुत ही फायदेमंद करेंगे, वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। अगर उसको मिट्टी के अंदर
कर देते हैं वैसे चीज सड़ गल करके वो खाद का फर्टिलाइजर का काम करते हैं। विच इज गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, जो कि पौधों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। आप कभी भी अपने गांव में भी देखे होंगे जो किचन का है, जैसे डंग हुआ, गोबर हुआ, राख हुए जलावन के, तो ये सब पेपर ऊपर हुआ, लिप्स हुए, तो वे सब मिट्टी में अगर हम लोग उसको कर देते हैं तो मिट्टी वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सर्वी वाला आ गया, बंद हो गया, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्टेस, नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्टेस आर मेटल प्लास्टिक, जैसे उसमें मेटल होते हैं, जैसे प्लास्टिक ग्लास हो गए, पॉली बैग्स हो गए, एल्युमिनियम फॉयल, प्लास्टिक बोतल, विच कैन नेवर बी डिकेड, ये सब बहुत ही खराब होते हैं। अगर आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो गलने वाला नहीं है, मिट्टी में बदलने वाला नहीं है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्टेस है ये। दे पोल्यूट द सॉयल एंड क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द एनवायरनमेंट, तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी को प्रदूषित कर सकते हैं। आप अभी भी देखते हैं प्लास्टिक बैग हुआ, पॉलिथीन हुआ, प्लास्टिक बोतल हुआ, ये सब जो हैं कभी गलने वाले नहीं हैं, तो हमारे ये इन्वायरमेंट को बहुत ही इन्वायरमेंट में समस्या हो सकती है। बायोडिग्रेडेबल वास्टेस मस्ट बी थ्रोन इन ग्रीन बीन्स, तो ग्रीन बीन्स ऐसे कूड़े कचड़े को हम लोग ग्रीन बीन्स में ही फेंकते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वास्टेस शुड बी डिपोजिट इन ब्लू बीन्स। तो बायोडिग्रेडेबल वास्ट को आप ग्रीन में डालिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल को ब्लू बीन्स में डालिए, तो इसमें यही होता है। तो इसीलिए जो डस्टबिन होता है कूड़े कचड़ों का, ये बीन वास्टेस, तो इसीलिए उसका कलर बनाया गया है कि कौन सा आप जो है कूड़े कचड़े किस में डालेंगे, उस तरह से पहचान बनती है। हार्मफुल इफेक्ट, पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट ड्यू टू पोल्यूटेड सॉयल कंपोजिशन एंड टेक्सचर, पौधों में बढ़ने का या विकसित होने में कुछ कमी रहती है, तो उससे क्यों होता है कि मिट्टी वहां की प्रदूषित रहती है। लाइफ ऑफ एनिमल लिविंग सॉयल लाइक बीटल्स, बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो कि मिट्टी में ही रहते हैं, जैसे बीटल्स हैं, अर्थवर्म हैं, एंट हैं, स्नेक आल्सो गेट्स अफेक्टेड, तो अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाता है तो इनका असर ये छोटे छोटे जीवों पर भी जो मिट्टी में रहते हैं उनके ऊपर पड़ता है। कंट्रोल सॉयल पोल्यूशन, तो सॉयल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग बायोडिग्रेडेबल वास्टेस टू मेक कंपोस्ट, तो बायोडिग्रेडेबल वास्ट को हम लोग कंपोस्ट करके रखेंगे। अवॉइडिंग यूज ऑफ एक्सेसिव ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर, और उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर को भी ऐड करेंगे। प्लास्टिक एंड पॉलीबैग्स कैन बी रीयूज्ड फॉर रिसाइकल,
और प्लास्टिक और पॉली बैग को हम लोग रीयूज करने के लिए, फिर से उसका उपयोग लाने के लिए हम लोग उसको रख सकते हैं। अगर आप फेंकेंगे तो फिर प्रदूषित हो जाएगा। तो ये आज जो है इस लेसन में इतना ही तक, और आगे जो है अगला दिन, तब तक के लिए थैंक यू।